हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम पर दे सकते हैं। और आज की इस रेसिपी को हम पनीर से बनाएंगे। तो पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है, इसे खाने से बच्चों की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और ये स्वाद में भी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए ये देखिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच घी और घी को गर्म होने देंगे। और घी जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम मिलाएंगे एक पिंच के लगभग मैंने राई के दाने लिए हैं, इसे डाल देंगे। और इसे घी के साथ में मिलाते हुए भून लेंगे 4 से 5 सेकेंड के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और राई के दाने जैसे ही चटक जाएंगे तब इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच सूजी, इसे डाल देंगे। और इसे भी मिलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और चम्मच हमें इसमें चलाते रहना है। तो ये देखिए मैंने इसे हल्का सा भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो इसी समय पर अब इसमें हम मिला देंगे 1 बड़ा ग्लास भरकर पानी हम कढ़ाई में डाल देंगे। मिला लेंगे इसे अच्छे से बिल्कुल लम्स फ्री होने तक और इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। और अब मैंने यहाँ पर 1 छोटा टुकड़ा पनीर का लिया है, तो मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथों की हेल्प से मैश कर सकते हैं। इसे भी हम डाल देंगे कढ़ाई में, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के लगभग नमक। तो 10 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नमक मैंने डाल दिया है, मिला लेंगे इसे। और मिक्स करने के बाद इसे हम पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और बीच बीच में चम्मच चलाकर हम इसे चेक करते रहेंगे जिससे कि ये तले पर ना लगे। तो फूड को पकाते हुए मुझे ये देखिए 4 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लिक्विड है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फूड को हल्का ठंडा होने पर आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए फूड सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। और ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी। और देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो जब कभी आपके पास में समय कम हो तो इस तरह से आप हेल्दी रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका स्वाद बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस रेसिपी को आप सप्ताह में 2 से 3 बार बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।